ओके, लास्ट लेक्चर में किसी का कुछ डाउट था? स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा। मेनली इंस्ट्रक्शंस में कौन कौन सी, जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है या कोई प्रोसेस, तो कौन कौन सी स्टेप्स रिक्वायर्ड होती है, फेचिंग क्या होता है और एग्जीक्यूशन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल पे हमने डिस्कस किया था कितने स्टेप्स में इंस्ट्रक्शन साइकिल परफॉर्म होती है, और सीपीयू के दो रजिस्टर के बारे में बात की थी, प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नाउ आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में कितनी तरह के एक्शन परफॉर्म होते हैं। तो एक सिंपल इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है उसकी प्राइमरी मेमोरी लोकेशन पर, उसकी जो लोकेशन होगी प्राइमरी मेमोरी में, उस लोकेशन से उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कैसे किया जाएगा, उसके बाद उसको हम किस तरह से रजिस्टर में रखेंगे, उस रजिस्टर का नाम क्या होगा, कौन कौन से ऐसे रजिस्टर्स होंगे जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन बार बार पहुंचेगा और उसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा। फाइनली जब उसका डेस्टिनेशन जो डिवाइस होगी वो डिवाइस पे उसका आंसर रिप्लाई होता है, मतलब डिस्प्ले होता है। तो अब एक इंस्ट्रक्शन पर कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होते हैं वो हमें आज के टॉपिक में देखना है। सो टाइप्स ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या किया था कि किसी भी प्रोग्रामिंग में या किसी भी इंस्ट्रक्शन में आप जितने भी स्टेटमेंट लिखते हो उन स्टेटमेंट को सीपीयू कन्वर्ट कर देता है इंस्ट्रक्शंस में। जैसे आप सपोज सम इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हो तो ए प्लस बी में जो ऑपरेटर यूज हो रहा है एडिशन वाला, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन होगा कि उन दोनों ऑपरेंड की वैल्यू को ऐड करना है, दैट मींस ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो ऐड जो ऑपरेटर है, जो प्लस ऑपरेटर है, जिसके लिए न्यूमोनिक्स ए डबल डी मशीन के अंदर ऑलरेडी स्टोर होता है, उसे हम इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं। और उसके अंदर जो डेटा होगा वो होगा ए और बी की वैल्यू। तो मेमोरी के अंदर एक इंस्ट्रक्शन भी होता है ऐड और भी होती है। सो अलग अलग तरह से इंस्ट्रक्शन पर एक्शन परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स आती है कि इन डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशन करना है तो उनके आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस अलग होंगे। तो हर अलग अलग तरह के डिवाइसेस को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनके इंस्ट्रक्शंस भी अलग होते हैं। सो पहला टाइप का इंस्ट्रक्शंस होता है ऐसा इंस्ट्रक्शन के बीच में प्रोसेसर एंड मेमोरी के बीच में इंटरेक्शन करने वाले जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस तरह के होंगे। तो अगर हमें प्रोसेसर से मेमोरी में कोई भी रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर मेमोरी से किसी भी लोकेशन से डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए लेना है, हमारे पास दो तरह के काम हो सकते हैं। प्रोसेसर और मेमोरी से रिलेटेड दो तरह के काम हो सकते हैं। या तो प्रोसेसर अपने इंटरनल रजिस्टर में किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद
प्राइमरी मेमोरी के किसी लोकेशन पे रीड या राइट कर सकता है, या फिर मेमोरी के किसी लोकेशन से रीड और राइट परफॉर्म करके वो इंस्ट्रक्शन को अपने इंटरनल रजिस्टर में ले सकता है। तो ये पहले टाइप का काम है जिसको हम कहते हैं प्रोसेसर मेमोरी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफर किस तरह से इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर कैसे होता है, किन दो डिवाइस के बीच में ट्रांसफर होगा, वो हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो प्रोसेसर एंड मेमोरी, दैट मींस डेटा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी और मेमोरी टू प्रोसेसर। इस तरह का यदि हमें कोई काम करना है कंप्यूटर के अंदर, तो हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी जो इस तरह से डेटा को ट्रांसफर कर पाए, इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर कर पाए मेमोरी से प्रोसेसर में और प्रोसेसर से मेमोरी में। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है प्रोसेसर मेमोरी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेकेंड टाइप होता है प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, राइट। सो हमने बेसिक कंपोनेंट ऑलरेडी हमने स्टडी कर चुके हैं कि एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हमारे इंस्ट्रक्शंस, हमारे डेटा आपस में ट्रांसफर होते हैं और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट को किसी भी डेस्टिनेशन डिवाइस पर ट्रांसफर करते हैं। जैसे आप सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, तो सी के प्रोग्राम को कंप्लीट एग्जीक्यूशन करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो मॉनिटर पे आ जाता है। तो एग्जीक्यूशन और डिस्प्ले यूनिट तक डेटा को पहुंचने में कई सारे कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन के लिए उनको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन सेट चाहिए होते हैं, राइट। उन्हीं इंस्ट्रक्शन सेट की हम लोग बात कर रहे हैं, और कौन कौन से डिवाइस आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेगी, उनको इंटरेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन लगने वाले हैं, उस पर हमारा ये आज का टॉपिक रहेगा। तो दूसरा टाइप होता है प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट, दैट मींस डेटा ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू सीपीयू और फ्रॉम सीपीयू टू आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या मतलब हुआ इस बात का कि हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस के सेट भी होने चाहिए जिन जो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस पर ट्रांसफर कर पाए। अब इस तरह की रिक्वायरमेंट कैसी हो सकती है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यदि आपने सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस सी के प्रोग्राम में कोई पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट है जिसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होने के लिए उस स्टेटमेंट को जो सब्ट्रैक्शन इक्वल टू सपोज ए माइनस बी है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है और जो भी डेटा है उनको हमें सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर में लेना होगा, जिसको हम कहते हैं ब्रिंगिंग करना, फेचिंग करना। उनको इंटरनल रजिस्टर में लेने के बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद उसके रिजल्ट को ट्रांसफर करेंगे आउटपुट डिवाइस में। अब वो आउटपुट डिवाइस जो भी कनेक्टेड होगी, चाहे वो प्रोजेक्टर हो तो डायरेक्टली स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, और अगर वो मॉनिटर होगा तो मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा, या उसका डेस्टिनेशन डिवाइस प्रिंटर होगा तो प्रिंटर से प्रिंट निकलेंगे। तो जिस भी आउटपुट डिवाइस से हमारा रिजल्ट कनेक्टेड होता है उस आउटपुट डिवाइस पर वो रिजल्ट चला जाता है। सो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस पर यदि हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो हमारे पास ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जो इस तरह का काम करके दे। इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर हमने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से अगर कोई डेटा हमें ट्रांसफर करना है जो डायरेक्टली मेमोरी में जाके सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर में पहुंचे, इस तरह का काम करने के लिए भी कुछ ना कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शन के सेट होने चाहिए। सो ये दूसरे तरह का काम है जो इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शंस के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, ये दूसरे तरह का एक्शन है। सो फर्स्ट हुआ प्रोसेसर से मेमोरी में ट्रांसफर करने वाले इंस्ट्रक्शंस, या फिर मेमोरी से प्रोसेसर में ट्रांसफर करने वाले इंस्ट्रक्शंस। सेकेंड हुआ प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर करने वाले इंस्ट्रक्शंस, और इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रोसेसर को ट्रांसफर करने वाले इंस्ट्रक्शंस। नाउ थर्ड होता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में ऐसे इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड्स होते हैं जो अर्थमेटिक और लॉजिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं,
जैसे सपोज आपने फिर से मैं एग्जांपल लूंगा कि आपने किसी का प्रोग्राम लिखा है, उसके अंदर आपने कई सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, जैसे सम इक्वल टू ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ए माइनस बी, राइट, मॉड्यूलो इक्वल टू ए मॉड्यूलो बी, डिवाइड इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी या ए परसेंटेज बी, इस तरह के यदि आपने कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस लिखे हुए हैं आपने सी के प्रोग्राम में, तो वो हर एक स्टेटमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन सेट तैयार होगा। इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर वो सभी ऑपरेटर्स के निमोनिक्स कोड जनरेट होंगे जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपने वहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मॉड्यूलो है, डिवाइड है, ये जितने भी ऑपरेशंस है इन सभी से रिलेटेड ऑपरेशन कोड विदिन सिस्टम के अंदर होते हैं। इन ऑपरेशन कोड को निकाला जाता है और उसी को हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के साथ ही साथ जो डेटा है कि हमें सब्ट्रैक्शन किन दो वेरिएबल पे परफॉर्म करना है, डिवीजन किन दो वेरिएबल पे परफॉर्म करना है, तो ये उससे उसका डेटा होता है जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में ऑपरेंड कहते हैं। सो ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो डेटा को प्रोसेस करे, यहाँ पे प्रोसेसिंग वर्ड से मतलब है आप कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशंस उसके अंदर परफॉर्म करने जा रहे हो। सो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, साथ ही साथ ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। सो अगर कोई लॉजिकल स्टेटमेंट है जैसे ए लेस देन बी है, ए नॉट इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल हेलो कोई क्वेश्चन था? हेलो नो सर, बीच में पिंग किया था ना एक सर करके, क्या हुआ था? हाँ किसी ने किया तो था सर, बट अभी वो बोल नहीं रहा तो ओके कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो तीसरे टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं डेटा प्रोसेसिंग। सो डेटा प्रोसेसिंग टाइप के इंस्ट्रक्शंस में हमें अर्थमेटिक और लॉजिकल एक्शंस परफॉर्म करने वाले इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होने चाहिए। सो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हमने लिखा हुआ है इंक्लूड्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल एक्शन परफॉर्म्ड बाय सीपीयू। अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ये जिस तरह के एक्शंस होते हैं जो अर्थमेटिक और लॉजिकल से रिलेटेड है, उस तरह के एक्शंस को परफॉर्म सीपीयू करता है। हम लोग तो उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन तो सीपीयू करेगा, हम लोग केवल उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब है एडिशन, इस स्टेटमेंट का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल स्टेटमेंट को हम अपने प्रोग्रामिंग को यूज करके लिख सकते हैं, बट एक्चुअल में परफॉर्म तो सीपीयू करेगा और सीपीयू उन ऑपरेटर को देखकर उसके इंस्ट्रक्शंस को फेच कर लेता है, उसके डेटा को फेच करता है और फिर वन बाय वन अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता है। सो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर इनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर पाए किसी भी डेटा के ऊपर। फोर्थ होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्ट द सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमें मैनुअल इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करते हुए कई बार हमें जंप भी करना होता है, कंडीशंस के बेस पर हमें कंट्रोल को शिफ्ट करना होता है। जैसे आप इसका स्विच केस के थ्रू एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्विच केस में जो भी आप इनपुट देते हो, सपोज आपने 1 से लेकर 10 तक कुछ केसेस बना के रखे हुए, बट स्विच के अंदर जो वैल्यू आती है डायरेक्टली कंट्रोल उसी केस के अंदर स्विच कर जाता है। सो कुछ ऐसे कंडीशंस स्टेटमेंट भी होते हैं जो कंडीशन बेस पे काम करते हैं। इस तरह से आप गो टू लेवल भी देखा होगा, गो टू स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग में।
तो गो टू में जो भी लेबल का नाम होता है उस लेवल पर डायरेक्टली कंट्रोल जंप करता है। इसका मतलब कि उस लेवल के पहले जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सभी को छोड़ दिया जाता है, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। सो ऐसे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जो उस समय ये डिसाइड कर पाए कि हमें अब किस नंबर की लाइन पे स्विच करना है या किस नंबर के केस पे स्विच करना है। तो दो तरह के एग्जीक्यूशन हमारे प्राइमरी मेमोरी में कंटिन्यूसली चलते हैं, एक तो मैन्युअली, जैसे आप अरे का प्रोसेसिंग समझ सकते हैं, अरे के अंदर अगर कोई सपोज इंटीजर का अरे आपने बनाया है उसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर है 10, 20, 30, 40, 50 और अरे की इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4। तो जब आप अरे के एलिमेंट को प्रिंट करना स्टार्ट करते हो तो हर बार इंक्रीमेंट बाय 1 होगा डिफॉल्ट नेचर। बट कई बार हो सकता है आपको मैनुअली एक्सेसिंग ना करना हो, आपको मेमोरी के किसी अलग लोकेशन पे स्विच करवाना हो कंट्रोल को, तो ऐसे स्टेटमेंट को या इस तरह के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास या सीपीयू के पास ऐसे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जो इस तरह की कंडीशन को कंट्रोल कर पाए। सो ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कंट्रोल के अंदर रखते हैं। एक्शन किसी भी इंस्ट्रक्शंस पे, तो टाइप्स ऑफ एक्शन परफॉर्म बाय इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस चार तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, प्रोसेसर टू मेमोरी एंड मेमोरी टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस और वाइस वर्सा, इनपुट आउटपुट डिवाइस टू प्रोसेसर, डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सो अगर क्वेश्चन आता है जीटीयू में कि टाइप्स ऑफ एक्शन परफॉर्म बाय द इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कौन कौन से एक्शंस है जो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने में कैपेबल है, आप इंस्ट्रक्शन से कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, राइट? तो इसके आंसर में आपको चार चीजें बतानी है, इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकता है, साथ ही साथ मेमोरी से प्रोसेसर के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकता है, दूसरा प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकता है इंस्ट्रक्शन, और इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रोसेसर के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकता है, थर्ड है डेटा प्रोसेसिंग करवा सकता है, लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, और साथ ही साथ कुछ कंडीशनल बेस पे इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। सो ये चार तरह के एक्शंस होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। आप किसी भी तरह का यदि हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, डेटा के ट्रांसफरिंग करनी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये सीपीयू का एक इंटरनल रजिस्टर होता है जिसमें टेम्परेरी लेवल पर किसी भी इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है, राइट? सो देखते हैं इसका क्या फंक्शन होता है और ये क्या करता है। सो एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसका जो एक्रोनिम है वो है ACC, या किसी किसी बुक में आप इसको AC से जानते हो, आपको कई बार AC करके भी बुक में दिखेगा, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो CPU का एक रजिस्टर है जिसका नाम है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। पर्पस क्या है? डेटा रजिस्टर, दैट मीन्स इसका काम होता है टेम्परेरी लेवल पर किसी भी डेटा को स्टोर करना। इसको हम एग्जांपल से इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज सब्ट्रैक्शन इक्वल टू A-B को एक स्टेटमेंट है जो सी प्रोग्राम से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट? तो ए और बी की वैल्यू को बार बार आपको एक रजिस्टर में लेकर आना पड़ेगा, तो इसलिए जिस रजिस्टर में ए की वैल्यू आएगी उसका नाम है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ए की वैल्यू आएगी, फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर में बी की वैल्यू आएगी। सो ए की वैल्यू ऑलरेडी उसके अंदर थी, बी की वैल्यू से ए की वैल्यू ऐड हो जाएगी, राइट? और अब उस एक्यूमुलेटर रजिस्टर में अपडेटेड वैल्यू A+B रहेगी या A-B, जो भी आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना था। सो एक्यूमुलेटर रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, जब भी अर्थमेटिक या किसी भी लॉजिकल एक्शन को परफॉर्म किया जाता है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, तब डेटा के ट्रांसफरिंग की जाती है,
और डेटा की ट्रांसफरिंग करने के लिए हमें टेम्परेरी लेवल पर डेटा को स्टोर करना पड़ता है, राइट। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब भी आप स्वैपिंग करते हो तो एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हो, बिना टेम्परेरी वेरिएबल लिए आप डेटा को स्वैप नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं वेरिएबल का जो डेटा है, एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर है, वो कोलाइड होने का डर होता है, वो डिस्ट्रॉय होने का डर होता है, इसलिए हम हमेशा एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प करके, और फिर ए और बी को हम टेम्प के थ्रू आसानी से स्वैप करवा सकते हैं, ताकि ये चीजें उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ओवरलैप ना हो जाए। तो सेम वही पर्पस है जो काम हो टेम्प से, रजिस्टर यूज करता है जो कि डेटा रजिस्टर के समान ही होता है, जिसका काम होता है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना, इसलिए एक्युमुलेटर रजिस्टर को डेटा रजिस्टर भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट एक्युमुलेटर रजिस्टर के बारे में, यूज्ड बाय अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्युमुलेटर रजिस्टर को कौन यूज करेगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं, उस सीपीयू के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसका पर्पस होता है कि अर्थमेटिक और लॉजिकल तरह के इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करना, क्योंकि एंड यूजर किसी भी तरह के स्टेटमेंट लिख सकता है, वो एक ऐसा सी का प्रोग्राम लिख सकता है जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हो, या वो इस तरह के प्रोग्राम लिख सकता है जिसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन सॉल्व हो रही हो। तो दोनों ही केस में हमें एक्युमुलेटर रजिस्टर यूज करना होता है, ताकि हम टेम्परेरी लेवल पर उस अपने डेटा को वहां पे स्टोर कर पाए। थर्ड पॉइंट है, यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट डेटा और रिजल्ट ड्यूरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब यदि आप अर्थमेटिक करते हो तो भी कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट होते हैं, या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो भी कोई ना कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट होते हैं, राइट। सो किसी भी इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी हम एक्युमुलेटर रजिस्टर का यूज करते हैं। सो एक्युमुलेटर रजिस्टर के यहाँ पे तीन पर्पस है, पहला ये एक डेटा रजिस्टर के जिससे काम करता है, सेकंड ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के द्वारा सबसे ज्यादा यूज होता है, थर्ड किसी भी इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के काम भी आता है। नीचे एक असेंबली का इंस्ट्रक्शन दिया, असेंबली का एक कोड दिया हुआ है, एड स्पेस ए कॉमा बी। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक्युमुलेटर रजिस्टर इन वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करता होगा। सो अगर सपोज मेमोरी लोकेशंस में 200 लोकेशन पे कोई एक वैल्यू है और 201 लोकेशन पर कोई एक वैल्यू है, एड इंस्ट्रक्शंस क्या करेगा, एक के एड्रेस पे जाएगा उसकी वैल्यू लेगा, बी के एड्रेस पे जाएगा उसकी वैल्यू लेगा, और एक्युमुलेटर रजिस्टर में वन बाय वन स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद रिजल्ट को फिर से एक्युमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करेगा। इस तरह के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने तरह की स्टेप्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमें फेच करना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एड कॉमा ए कॉमा बी, इस अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है वो है ए डबल डी, जो हमें ये बताता है कि इन वेरिएबल्स के ऊपर आपको एडिशन परफॉर्म करना है। सो ए डबल डी इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले उसका एड्रेस हमें फेच करना होगा कि ए डबल डी मेमोरी के किस लोकेशन पर है, साथ ही साथ किस एड्रेस पर हमें एड इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करना है, कौन सा स्टेट है पर आपको फ्रेंड, तो सबसे पहला काम आपको यह होगा कि आप अपने फ्रेंड के एड्रेस को जाने, किसी से भी आप पता करें कि आपका फ्रेंड किस सिटी में रहता है, किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है या किस सोसाइटी में रहता है। तो जिस फ्रेंड से आपको मिलना है सबसे पहले आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। इन द सेम वे सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पता होना चाहिए कि किस इंस्ट्रक्शंस को हमें एग्जीक्यूट करना है, वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में किस लोकेशन पर है।
उसके एड्रेस को रिजॉल्व करने की प्रोसेस कहलाती है इंस्ट्रक्शन एड्रेस। उसके बाद इंस्ट्रक्शन एड्रेस पता होने के बाद अगला स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन फेच करना। तो जब आपके पास एड्रेस पता हो जाता है आपके फ्रेंड का, तो आप अब उस एड्रेस पर जाने का ट्राई करते हैं। जब आप उसके घर पे पहुंच जाओगे तब आप उससे मिलने का ट्राई करोगे। तो यहाँ पर कहलाता है इंस्ट्रक्शन फेचिंग, कि एक बार हमें इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पता हो गया, रिजॉल्व हो चुका है एड्रेस, कि प्राइमरी मेमोरी में 201 लोकेशन पर एक वेरिएबल का एड्रेस है जिसके ऊपर हमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो आप उस लोकेशन को आप फेच करना स्टार्ट करेंगे, उस लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करना स्टार्ट करोगे। तो सेकेंड स्टेप होती है इंस्ट्रक्शन फेच करना। थर्ड होता है फिच ऑपरेशंस। उस लोकेशन पर यदि आप पहुंच जाते हो, आप इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेते हो, और फिर आप उस फेचिंग किए हुए इंस्ट्रक्शन को एक टेम्परेरी रजिस्टर में रख लेते हो जिसका नाम होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उस रजिस्टर में अब आपको ये डिकोड करना पड़ता है कि आपको उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने है। यदि हमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसका जो कोड होगा, ए डबल डी का जो कोड होगा, वो कोड उसके अंदर मेंशन होगा। तो अब आप उस इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद डिकोड करना स्टार्ट कर देते हो। दैट मीन्स आप उसको एनालाइज करते हो कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो थर्ड स्टेप होती है विच ऑपरेशन। फोर्थ स्टेप होती है व्हाट ऑपरेंड्स। मीन्स जब आपको ये पता चल जाए कि ऐड ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, तब आप सोचोगे कि किस वेरिएबल पे या किस ऑपरेंड पर ऐड ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। अब आप पता लगाओगे कि वो कौन से ऑपरेंड्स है, उनके एड्रेसेस क्या है। तो ऑपरेंड्स पता चलते हैं कि ए ऐसे दो ऑपरेंड्स है गेट ऑपरेंड। हम उस ऑपरेंड को गेट करते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। साथ ही साथ फिर हम लास्ट स्टेप में उसका जो रिजल्ट है उसको हम स्टोर कर देते हैं। तो इससे आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। कि एक इंस्ट्रक्शन किस तरह से कितनी स्टेप में वो परफॉर्म होता हो, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले एड्रेस होगा उसको हमें पता लगाना होता है, फिर इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है उस पर्टिकुलर एड्रेस से, फिर उसके अंदर कौन से ऑपरेशंस है वो पता लगाना होता है, किस ऑपरेंड पर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और फिर उस ऑपरेंड को गेट करते हुए उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद जो भी रिजल्ट जनरेट होता है उस रिजल्ट को हम स्टोर करते हैं, या फिर रिजल्ट का जो भी डेस्टिनेशन डिवाइस है उस डिवाइस पर हम उस रिजल्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। सो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए ये टोटल 6 स्टेप्स कंपलसरी परफॉर्म होती है। वो कंडीशन एक्सेप्शंस होती है कि जहां पर आप किसी कंट्रोल स्टेटमेंट के बेस पर कभी आप जंप कराते हो या किसी लेवल पे पहुंचा देते हो या स्विच केस को यूज करते हैं, ये एक्सेप्शंस है। ऐसा हर बार नहीं होगा। ये जो चीजें हैं कंट्रोल स्टेटमेंट कंडीशन बेस पे चलते हैं, बट मैनुअली अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन का स्टेप बाय स्टेप अगर देखें कि वो इंस्ट्रक्शन कितनी स्टेप में अपने एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करता है, तो ये इसकी मैनुअल स्टेटमेंट्स हैं। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करें। दो चीजें हमने यहाँ पे कवर करी है, इंस्ट्रक्शन कितने तरह के एक्शन परफॉर्म करता है और एक्युमुलेटर रजिस्टर का बेसिक्स, साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। ऋचा, उर्वी, यश,
नो सर. मनन? नो. प्रांजल? शाना? नो सर. हिरेन? नो सर. ऑल राइट, मतलब समझ आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कंटेंट क्या है हमारा? ऑल राइट, समझ में तो आ रहा है. ठीक है, तो आपको अभी तक ये बात समझ जाए कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस पे अलग अलग तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. और पहला हमारा प्रोसेसर से मेमोरी में अगर डेटा ट्रांसफर करना हो तो हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए. मेमोरी से प्रोसेसर में ट्रांसफर करना हो तो भी हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए. प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस में चाहिए तो भी हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए. इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रोसेसर में ट्रांसफर करना हो तो भी इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए. डेटा प्रोसेसिंग करना हो तो भी उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस चाहिए. कंट्रोल स्टेटमेंट परफॉर्म करने हो तो भी हमें उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस चाहिए. सीपीयू के पास बहुत सारे वैरायटी में इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए तभी वो इतने तरह के एक्शन परफॉर्म कर सकता है इन शॉर्ट. फिर हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर पे बात करी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो एक्रोनिम है वो ACC है. ये एक डेटा रजिस्टर होता है जो टेम्परेरी लेवल पर डेटा को स्टोर करता है. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के थ्रू सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है. साथ ही साथ जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को हम परफॉर्म करते हैं तो उनके थ्रू कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट होता है, उस रिजल्ट को भी टेम्परेरी लेवल पे स्टोर करना हो तो भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर का ही यूज़ होगा. फिर हमने देखा कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के यदि हम फ्रेगमेंट बनाए, छोटे छोटे टुकड़े बनाए कि कितनी स्टेप में एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता होगा. अब आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि यदि आप सी का प्रोग्राम बना देते हो जिसके अंदर करीब 4 इंस्ट्रक्शंस आपने यूज किए, ऐड वाला यूज कर लिया है, जैसे आपने प्लस ऑपरेटर यूज किया है, माइनस ऑपरेटर यूज कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, तो ये 4 इंस्ट्रक्शन कितने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है, कितने टाइप के स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इससे आप ये इमेजिन कर सकते हो.
हेलो सर, सर नहीं आवा। सर आवाज नहीं आ रही सर। किस किस को आवाज नहीं आ रही है? हेलो, सबको सर, सबको नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी तो एकदम क्लियर। तो बीच में ऐसा हो रहा है क्या कि आपको बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर, अभी तो हुआ था ना 5 मिनट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, ओके, अभी आ रही आवाज? हेलो, हाँ यस सर, आ रही है। ओके, ओके, स्क्रीन क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। यस सर। ऑल राइट। यस सर। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टेट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन साइकिल।
अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने वाली साइकिल स्टार्ट होती है तो उस इंस्ट्रक्शन साइकिल में कौन कौन सी स्टेट्स होती है। फर्स्ट होती है इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। हमें कैलकुलेट करना होता है कि इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है, तो उसके एड्रेस को कैलकुलेशन करने का मैं आपको तरीका बता रहा था कि जैसे आपने इंटीजर का कोई अरे बनाया है तो इंटीजर का जो एड्रेस होता है, जो बेस एड्रेस होता है अरे का, उसका नाम होता है। तो बेस एड्रेस आपको पता हो जाता है तो आपको जो अरे है फर्स्ट पर पहुंच जाते हो। तो ये तरीका होता है कि आप किस तरह से एड्रेस को रिजॉल्व करते हो। यदि इंटीजर का अरे है तो आपको हर इंटीजर का अगला एलिमेंट 2 bytes की डिस्टेंस पर मिलता है। यदि कैरेक्टर का अरे होगा तो 1 byte के डिस्टेंस पर मिलेगा। अगर फ्लोट का होगा तो 4 byte के डिस्टेंस पर आपको मिलना स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग होगा तो हर एक बाइट के डिस्टेंस पर आपको अगला कैरेक्टर मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एड्रेस के कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने किस डेटा टाइप को यूज किया है, उस डेटा टाइप से डिसाइड होता है कि किस डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर मेमोरी के अगला कैरेक्टर या अगला इंटीजर आपको मिलने वाला है। सेकेंड होता है इंस्ट्रक्शन फैच, जिसका नाम होता है IF। एक बार जब आपको एड्रेस पता हो जाए कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी में किस लोकेशन पर है, आपने उस एड्रेस को रिजॉल्व कर लिया है, तब आपको सेकेंड स्टेटमेंट, आपको सेकेंड काम होता है इंस्ट्रक्शन को फैच करना। इंस्ट्रक्शन को फैच करने का मतलब होता है रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स मेमोरी लोकेशन इन टू प्रोसेसर। मेमोरी लोकेशन से वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को आपको रीड करना है। करके उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर लिया है, तब आप उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हो। एनालाइज करने का मतलब ये होता है आप डिकोड करना स्टार्ट करते हो, और डिकोडिंग का मतलब होता है कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, क्या ऑपरेंड है, इन सब के बारे में आप डिटेल निकालना स्टार्ट करते हो। दैट मीन्स एनालाइज द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड विच ऑपरेशन टू परफॉर्म एंड वट काइंड ऑफ ऑपरेंड टू यूज। सो इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग का मतलब है कि आप पता लगा लेते हो कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किस ऑपरेंड पर आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ये दोनों आपको कहां पर मिलने वाले हैं, इंट के एड्रेस को रिजॉल्व करना। दैट मीन्स फाइंड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इफ इट विल बी ऑब्टेंड फ्रॉम द मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस। सो ये सब डिकोडिंग के अंदर आता है, ऑपरेशन का पता लगाना, ऑपरेंड का पता लगाना। ऑपरेंड अगर मेमोरी से है तो मेमोरी का एड्रेस क्या होगा, ऑपरेंड अगर रजिस्टर में है तो रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, या रजिस्टर का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, ये सब चीज़ें डिकोडिंग के अंदर आती है। फिफ्थ स्टेप होती है ऑपरेंड फेच करना, OF, रीड द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस। अब ऑपरेंड कहाँ से आ रहा है, या मेमोरी से है तो मेमोरी का एड्रेस पता करो, यदि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से है तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो भी इंटरफेस है, जो रेफरेंस आईडी है, उसको पता करो। सिक्स स्टेप होती है डेटा ऑपरेशंस, DO। इसके अंदर वो सब ऑपरेशंस परफॉर्म होने स्टार्ट होंगे जो कि ऑपरेंड पर करना है। सो परफॉर्म द ऑपरेशंस स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑन द ऑपरेंड। एंड सेवंथ होता है ऑपरेंड स्टोर, OS। दैट मीन्स जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको आपको स्टोर करना होता है। राइट रिजल्ट टू द मेमोरी और स्पेसिफाइड आउटपुट डिवाइसेस। अब आपने सपोज एडिशन कर लिया है तो आपको सम को प्रिंट कराना होगा, तो मॉनिटर पे वो प्रिंट होगा। इसका मतलब कि सम वेरिएबल का कनेक्शन इससे किसी डेस्टिनेशन डिवाइस के रेफरेंस आईडी से होगा, अदरवाइज सम वेरिएबल को कैसे पता चलेगा कि उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले होना है। तो आउटपुट डिवाइस का जो भी इंटरफेस होगा, जो उसका एड्रेस का एड्रेस होगा, उस एड्रेस पर हम उसको ट्रांसफर करते हैं, तब जाकर आपको मॉनिटर पर किसी भी सम वेरिएबल का रिजल्ट डिस्प्ले होता है। सो ऐसी टोटल 7 steps होती हैं, उन 7 steps के थ्रू हम लोग किसी भी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में मैं इतने ही रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। सर इसमें तो क्लियर है,
हाँ सर, इसमें तो सर सारी थियरी होगी ना, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह तो कुछ होगा नहीं? नहीं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर पूरा थ्योरी रहता है, इसमें आपको प्रैक्टिकल कोई परफॉर्म नहीं करना है। बट ये आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जब प्रोग्रामिंग पढ़ते हो है ना, तो सी प्रोग्रामिंग को आप इससे रिलेट जरूर करें, तो आपको सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगी। यदि आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्लियर है तो सी प्रोग्रामिंग का पूरा टेक्निकल एग्जीक्यूशन आपको समझ आना स्टार्ट होगा। ओके सर। ओके, तो ये बेसिक चीज है, थोड़ा टेक्निकल जरूर है, बट यदि आपको समझ आ जाए तो काफी इमेजिनेशन आपका बहुत अच्छा बन सकता है, आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, उसके जो मदरबोर्ड है, सीपीयू का जो नेचर है, मेमोरी का जो नेचर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे काम करती है, इन सबको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और जब भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ोगे या सी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, इवन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, तो डेटा स्ट्रक्चर का मैनिपुलेशन कैसे हो रहा होगा, डेटा स्ट्रक्चर कहाँ स्टोर होगा, कैसे फेच हो रहा होगा, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी। बट उसके लिए जरूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें। ओके, कोई डाउट है बाकी किसी का? तो? हाँ बोलो सर, इसका मटेरियल कब तक मिलेगा? मटेरियल जैसे जैसे यूनिट फिनिश होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा। अभी यूनिट वन फिनिश हुई है और यूनिट टू और थ्री साइमल्टेनियसली चालू है। तो यूनिट टू और थ्री जैसे फिनिश होती है, आपको यूनिट वन टू थ्री का मटेरियल नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। ऑलराइट? ओके। टॉपिक में कोई डाउट नहीं किसी को? सब कुछ समझ आ रहा है? हाँ यस सर।